पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे पॉलीथीन पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी खुले आम हो रही बिक्री पर सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में लालडिगी स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर छापेमारी करके लाखों का प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया गया तथा शिल्पी ट्रांसपोर्ट कंपनी और SG कार्गो मूवर्स पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान SDM सदर गजेंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त वाणिज्य कर प्रदूषण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया, नाम लिख लो पर कितनी लंबी चौड़ी बोल रहा हूँ। आज तो सूचना मिली है, अंदर से लोग है, सूचना आज मिली थी कि आज वो खाली हो जाएगा। अरे यार धस जाएगा, चलो नहीं तो उतर, अरे धस जाएगा, खुल जाएगा। नहीं क्या हो गया, खुला है गोदाम? नहीं बंद है। नहीं नहीं बंद है सर, बंद है तभी तो सीन हो जा रहा है। हाँ जी घर ही नहीं कहा, लेकिन चाबी नहीं है उसके पास, उससे क्या मतलब? अच्छा किराया दे रखा है? तो नहीं दिया उन्हीं का। बहुत बढ़िया, बहुत पहुँच गई। नहीं है इसका, नहीं है। चला देख लो भाई, पीछे स्टाफ कहाँ रह गए? इतना पता रहेगा ना भाई, ऐसा कोई खुला है जंगला, खुला उसके रास्ते दिखाई दे रहा है, थर्माकोल का सब बड़ा बड़ा गड्ढा। जंगला खुला है, उधर नहीं है, उधर खुला निकल गया भाई, पूरा हो गया। और उधर वाला वो भी हो गया पूरा, सुबह से काटे दोनों का करवा दिया, दोनों का बच्चे बच्चे करवाइए इसको। खाना है कौन सा? पूरा फाड़ के ऊपर रखो यार, पूरा काट दे, फाड़ो काट दे, तुम काट दो। घुस गए ना ये नो डाउट वाला है। कोई ये कहे कि भाई मोटा वाला था कि 50 से कम था, ज्यादा था, ये एकदम नो डाउट वाला है। चल भाई चलो ठीक है, फिर कोई नहीं। राय साहब जी सर, आवाज लगाइए। आवाज ऊपर हम बंद कर लें। आपके घर में कोई और है? आदमी कोई है? नहीं अभी आदमी नहीं है। कि जो है यहाँ पे लालडिगी के पास जो बंदे के नीचे गोदाम है, उसमें जो है भारी मात्रा में जो है पॉलीथीन कैरी बैग है, जो वर्तमान समय प्रतिबंधित है, और इसी क्रम में कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो पॉलीथीन मिला है, ये शिल्पी और एक करके हैं SG कार्गो, ये ट्रांसपोर्टर का था, दोनों से 25,000 जुर्माना
अधिरोपित किया गया है और पूरा माल सीज कर दिया गया है और ये माल जो है नगर निगम भिजवा दिया जाएगा। कितना माल हुआ करीब करीब? ये लगभग जो है 40 से 50 क्विंटल होगा, अभी तौला तो नहीं गया लेकिन अनुमानित है। किसी गोदाम में, किसी गोदाम में? हाँ, ये यही जब कार्रवाई चल रही थी सूचना मिली थी कि एक सरस्वती पब्लिक स्कूल के, संस्कृति पब्लिक स्कूल के बगल में एक गोदाम है और उसमें जो है भारी मात्रा में थर्माकोल की प्लेटें, बर्तन और प्लास्टिक की गिलास सूचना मिली थी। हम लोग गए मौके पर, वहाँ जब शटर के किनारे से एक छिद्र था उसमें देखा गया तो काफ़ी मात्रा में उसमें थर्माकोल के गत्ते पाए गए हैं, जिसको जो है संपर्क किया गया कि जो है अगर नीचे कोई मालिक है तो आ जाए, लेकिन संपर्क नहीं हो सका और नहीं उसका पता चल सका। और इस क्रम में जो है हम लोग ने उसको सील कर दिया, जब उसके मालिक संपर्क करेंगे तो अग्रिम कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई चली, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? कार्रवाई तो हमेशा चलती रहेगी, कहीं इसमें कोई समय सीमा नहीं है, बस उद्देश्य है कि पूरी तरह से इसको जो है इस अनुमानित तो अभी पिछले हम लोग 3-4 दिनों में करीब एक दिन 25,000 का जुर्माना किया, एक दिन 76,000 का जुर्माना किया, आज 50,000 का जुर्माना किया और करीब 2 से 3 ट्रक हम लोग माल जो है सीज कर चुके हैं अभी तक और 2 से 3 गोदामें अभी तक सील पड़ी हुई हैं। टीम बना के जो है उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो भी उसमें अग्रिम चीज़ें निकल के आएंगे तो आप लोगों को जानकारी देंगे। चेतावनी देना चाहते हैं आप? पहले भी कहा गया था कि अगर इनके पास माल हो तो अपना ये जो है सूचना देकर और नगर निगम में जो है सुपुर्द कर दें, अदरवाइज अगर पकड़े जाएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी।